फिल्म हेरा फेरी 3 से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हेरा फेरी 3 से जुड़ी पहले भी कई खबरें सामने आ चुकी हैं, जिसमें कई बार कहा गया फिल्म पर काम शुरू होने वाला है। एक बार तो फिल्म की टीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली थी, जिसमें यह साफ बताया गया था कि जल्द ही हेरा फेरी 3 पर काम शुरू होने वाला है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई साल बीत गए, फिल्म पर मेकर्स ने कोई काम शुरू नहीं किया। इसके पीछे की वजह बताई जाती है कि हर बार कास्ट और कहानी को लेकर फिल्म का काम रुक जाता था। एक बार तो खुद अक्षय कुमार ने कहा कि मैं तब तक इस फिल्म पर काम नहीं करूंगा जब तक एक अच्छी कॉमेडी स्क्रिप्ट मेरे पास नहीं आएगी। तो क्या इस बार भी फिल्म की अनाउंसमेंट होने के बाद भी फैंस को निराश होना पड़ेगा? सूत्रों की माने तो इस बार भी परेश रावल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वे नहीं चाहते कि वे दोबारा बाबू भैया का किरदार निभाए। उन्होंने कहा कि वो दोबारा बाबू भैया का किरदार निभाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि अगर मुझे दोबारा मोटा चश्मा और धोती पहनकर वही एक्टिंग करनी पड़ी तो मैं इस काम की मोटी रकम लूंगा। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा, फिर से वही पुराने घिसे पिटे डायलॉग नहीं चलने वाले, कुछ नया होगा तभी फिल्म चल पाएगी। लेकिन परेश रावल के इस इंटरव्यू के कुछ दिन बाद ही फिल्म मेकर फिरोज नाडियाडवाला ने हेरा फेरी 3 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी और साथ ही ये भी कहा कि हेरा फेरी 3 में भी फिल्म में अक्षय, सुनील और परेश रावल की जोड़ी फैंस को दोबारा देखने को मिलेगी। इस खबर के बाद ये साफ हो जाता है कि हेरा फेरी 3 के मेकर्स ने परेश रावल समेत फिल्म की पूरी कास्ट को हेरा फेरी 3 में काम करने के लिए मना लिया है। आने वाले कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है कि फिरोज नाडियाडवाला फिल्म से जुड़ी कहानी के बारे में कई अहम खुलासे करें। हेरा फेरी 3 से जुड़ी हर अपडेट तुरंत पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बॉलीवुड कल्ट।